नमस्कार, डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री सज्जन सिंह वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रकाश भाई। नमस्कार वर्मा साहब, आजकल एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, संसद के संदर्भ में कहा जाता है कि संसद में फ्लोर मैनेजमेंट। हाँ। तो ये फ्लोर मैनेजमेंट क्या होता है और इसमें आपका नाम बार बार आता है कि कमलनाथ जी के साथ आपने भी फ्लोर मैनेजमेंट किया, तो क्या होता है ये फ्लोर मैनेजमेंट? फ्लोर मैनेजमेंट शब्द तो पुराना है पर लोगों के जहन तक अब पहुंच पाया है जी। तो ये इसलिए पहुंच पाया कि कमलनाथ जैसे चमत्कारी लोग जब संसदीय कार्य मंत्री बनते हैं तो इन शब्दों की व्याख्या सही साबित होती है। और फ्लोर मैनेजमेंट एक वो व्यवस्था है जब किसी बहस पे मतदान लोकसभा के अंदर होने की घड़ी होती है उस समय अपने सहयोगी दलों को किस तरह से साधना, सहयोगी दलों के साथ जो लोग बाहर से समर्थन कर रहे हैं जो दल उनको कैसे साधें, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को कैसे हम बैलेंस करें, क्योंकि विपक्ष के द्वारा ही इस तरह के प्रस्ताव आते हैं जिसपे मत विभाजन होता है। तो तीन तरफा, ये तो तीन तरफा हो गया कि जो सहयोगी दल है जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल, उसके साथ साथ हमारे खुद का बड़ा दल है कांग्रेस का, उस दल को कैसे सेफ रख के जी जब मतदान की प्रक्रिया चालू हो तब हम विजय श्री का मुकुट पहन के बाहर निकले। फ्लोर मैनेजमेंट यही है कि जो सहयोगी दल है जो बाहर समर्थन दे रहे हैं वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसके पर जो सहयोगी दल नहीं उन्होंने भी समर्थन दिया निश्चित रूप से। तो मैं वही कह रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके संबंध विपक्षी दलों से, सहयोगी दलों जो छोटे छोटे दल हैं उनके सुप्रीमो से बहुत अच्छे हो। तो ये कमलनाथ की खूबी है कि कई दलों के सुप्रीमो को ओबलाइज किया है कार्यों के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों के माध्यम से, तो वो इस बार सफल सिद्ध हुए। एक बात पूछना चाहता हूँ, कैसे ओबलाइज, व्यक्तिगत रूप से ओबलाइज किया या प्रदेश के स्तर पर राजनीतिक लेवल? मैंने प्रकाश जी निवेदन किया कि कार्यक्रमों के माध्यम से जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उनको शत प्रतिशत उन प्रदेशों में उतार देना जहां के लोग आपको राजनीतिक रूप से सहयोग कर रहे हैं और आपकी केंद्र की योजनाओं को जो फेल नहीं होने देंगे। जैसे कई विपक्षी राज्य हैं हमारे विपक्षी दलों के, वहां हम करोड़ों अरबों रुपया भेजते हैं और वो खर्च नहीं कर पाते, जान करके खर्च नहीं करते कि सरकार की योजना फेल हो जाए। तो कार्यक्रमों के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका सही उपयोग हुआ। और आपका क्या योगदान रहा इस बार? लोग कहते हैं कि आप बड़े कमलनाथ जी के साथ उनके दाहिने हाथ थे और आपने फ्लोर मैनेजमेंट में बहुत मेहनत की, लगातार जुटे रहे आप भी, तो क्या किया आपने? हम जैसे कई साथी जो कमलनाथ जी के सहयोगी हैं और कांग्रेस के वफादार हैं, हमारे हाईकमान के प्रति हमारी जवाबदारियों को हम महसूस करते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हैं, हम लोग भी मध्य प्रदेश के हैं, हमारे साथ और भी हमारे मित्र सांसदों ने, हमने ये कोशिश की कि कोई हमारे कांग्रेस दल का सांसद गैर हाजिर ना रहे वोटिंग के समय। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश से सांसद हैं, उस दिन जिस दिन मतदान था लोकसभा में उसी दिन उनके बेटे की शादी का प्रोग्राम इंदौर में था। वोट डालने के बाद रात को 11 बजे अपने बेटे के रिसेप्शन में वो पहुंच पाए। तो हम लोगों को अपने दल की जवाबदारी थी कि अपने दल का कोई भी सदस्य अनुपस्थित ना रहे, तो बराबर टेलीफोन किए, वो सारी व्यवस्थाएं जिसके लिए जो साधन उपलब्ध करा उन व्यवस्थाओं में। सुषमा स्वराज ने कहा कि सीबीआई के डर से मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने साथ दिया, तो क्या ऐसा भी होता है? क्या सीबीआई का डर भी दिखाया जाता है फ्लोर मैनेजमेंट में? सीबीआई देखिए, मैं पूरे समय प्रकाश जी लोकसभा में जब ये बहस चल रही थी 2 दिन पूरे टाइम, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं की भी जवाबदारी थी और बहस के मुद्दों को सुनना भी था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सुषमा स्वराज जैसी वरिष्ठ नेता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो
मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी थे। मैं जो शब्द आपने कहा सीबीआई का इस्तेमाल, कमलनाथ जी ने उसका जवाब दे दिया कि जब वो दल जो वोटिंग के समय तुम्हारी मदद करे तो वो सहयोगी कहलाते हैं, और वही दल जब वोटिंग में हमारी मदद करें तो सीबीआई के डर से मदद ली, ऐसा कहा। दूसरी बात, एफडीआई पे चर्चा थी, मतदान था। एफडीआई कोई किसी जाति धर्म और मजहब विशेष के लिए एफडीआई नहीं था, लेकिन सुषमा जी ने अपने भाषण में ये डर बताया, एक तो बताया किसानों को भयभीत किया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। बहस लंबी है प्रकाश जी, लेकिन बात का जवाब मैं देना चाहूंगा जी। किसानों का कि तुम्हारी फॉरेन एडिट कंपनी आ गई, फॉरेन की कंपनी आ गई, वॉलमार्ट आ गई, ये आ गए, तो आपको आपकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। मैं सुषमा जी को ये कहना चाहता हूँ और आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि 1350 रुपये समर्थन मूल्य में केंद्र की सरकार गेहूँ खरीदती जी। यदि वॉलमार्ट कंपनी आ गई तो एक व्यापारी और बड़ा, एक खरीदार किसान के माल का और बड़ा। ये जरूरी नहीं है कि किसान उस वॉलमार्ट को बेचे, यदि उसको अच्छा भाव मिलता है तो वॉलमार्ट को क्यों बेचेगा, नहीं तो सरकार 1350 रुपये में समर्थन मूल्य में ले रही है और किसान खुशी खुशी बेच रहा। तो एक तो किसान को भयभीत किया कि तुम्हारी 1000 भी नहीं ले जाएगा गेहूँ का भाव। दूसरा, उन्होंने मुसलमानों को इंगित किया कि बोले एफडीआई के आने से भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा कष्ट होगा खुदरा व्यापार में। अब ये जाति धर्म और मजहब की बात करते करते हिंदू मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति भाजपा के सब नेता तो बड़े चर्चा में रहे पिछले दिनों। एक बयान आपका बड़ा चर्चा में रहा जिसमें आपने कहा चिदंबरम को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में एक पत्रिका में इकोनॉमिस्ट में लेख छपा और आपने कहा कि ये आप खुलकर द इकोनॉमिस्ट में ये लेख छपा कि चिदंबरम अगले प्रधानमंत्री होंगे और वो ही इसके लिए उपयुक्त है। उसमें कुछ पत्रकार साथी आए थे और मुझसे इस बारे में बहस की, चर्चा की और मुझसे अपनी राय मांगी। मैं बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखता हूँ कि मुझे कोई डर नहीं रहता, मुझे कोई खौफ नहीं रहता। मैं बेबाक अपनी बात करता हूँ जो एक कार्यकर्ता की बात होती है, जमीनी कार्यकर्ता की। मैंने कहा कि चिदंबरम साहब बड़े नेता हैं पर उनकी इमेज मेरी नज़रों में आज भी एक प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती मेरी नज़रें। मेरी नज़रों में राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उम्मीदवार थे, हमारे दावेदार भले ना हो उम्मीदवार थे, और आज भी एक इमेज जो राहुल गांधी के लिए हमारे मन में अपनी नज़रों में है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में हम उस नौजवान को देखना चाहते हैं। तो मैंने यही कहा था कि पहले भी और आज भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और किसी विदेशी पत्रिका में छप जाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं। और उन्होंने ये भी कहा प्रकाश जी कि पिछले 2 सालों से द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की साख पूरे विश्व में बहुत गिरी है। भारत के बारे में जितने भी एनालिसिस इन्होंने 2 साल में छापे हैं सारे के सारे तथ्य गलत निकले, सारे अनुमान इनके गलत। प्रधानमंत्री जी के बारे में बयान नहीं, और भी कई विषयों पे इन्हें एनालिसिस अपना छापा है 2 सालों में, वो सारे गलत निकले। सेकंड यूपीए के चुनाव के समय उन्होंने जो तथ्य दिए और कई मसलों पे आर्थिक मुद्दे पे दिए, सब गलत निकले। आपका बयान एक आया था जिसमें आपने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता ज्यादा प्रतिबद्ध है, डेढ़ किलो धोके काम करते हैं, प्रतिबद्धता से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आपका चिदंबरम के खिलाफ बयान आया, चिदंबरम के पक्ष में नहीं रहे, कहना चाहिए राहुल जी के पक्ष में था, तो लोग कहते हैं कि आपने अपने जो नंबर वहां कम हुए थे वो बढ़ा लिए, बराबर कर लिए। नहीं, मैं देखिए प्रकाश जी, मुझे नंबर कम करने और बढ़ने की चिंता कभी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया है। कई बार MLA रहा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा, लघु उद्योग निगम का चेयरमैन रहा, आज सांसद हूँ, तो एक व्यक्ति को इससे ज़्यादा जीवन में और क्या चाहिए। मुझे क्यों नंबर बढ़ाना, क्यों घटाना। मैंने इसलिए ये बात कही थी कि मेरे मन में दर्द था कि मध्य प्रदेश को मात्र श्री कांतिलाल भूरिया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सहारे आपने छोड़ दिया। जो नेता मध्य प्रदेश के दिल्ली में स्थापित होकर बैठे हैं, मैंने अब वो स्थापित होकर वहाँ बैठने का दुकान चलाने का मतलब नहीं, अब तो मध्य प्रदेश की सड़कों पे, जंगलों पे, पहाड़ों में, गांवों की बस्तियों में आपको जाना पड़ेगा जब मिशन 2013 आप
सफल हो पाओगे, वरना मिशन 2013 करते करते तेरा निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैंने इसलिए कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था नीमच में, कार्यकर्ताओं से सीधी बात कर रहा था, मुझे नहीं पता क्योंकि कैमरा मेरे पीछे इस बात को वो कर रहा करता तो भी मैं बोलता। मैंने ये कहा था कि आरएसएस का कार्यकर्ता ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ अपने आरएसएस के नेता और भाजपा के नेताओं को दिए हुए टारगेट को अचीव करता है, पाता है। उससे वजनदार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे दुख सुख में हाथ रखने कोई वरिष्ठ नेता नहीं आता। किनको किन वरिष्ठ नेता जो भी जो मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं, वरिष्ठ नेता है दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में बड़े हैं, सिंधिया जी किसके, मैं नाम लेके तो बोलना नहीं चाहूंगा, पर जो बड़े नेता हैं सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मेरा कांग्रेस का छोटा वर्कर भी जानता है कि कौन बड़े नेता है जो दिल्ली में बैठे हैं और जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थापित है। दुख सुख में हाथ उनके सर पे रखो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना वजनदार है कि आरएसएस को लोग भूल जाएंगे। और बीजेपी के लिए मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता तो बहुत बोगस है, वो तो आरएसएस का सपोर्ट मिल जाता है तो कई चंद चुनाव जीत जाते हैं। ये मेरी भावना थी कि मेरे कार्यकर्ता के सर पे हाथ रखिए और जंगल और गांव की खाक ऐसे से निकल के छानिए बड़े नेताओं को। ये कहना कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए आप बयान को गलत समझे, जो जो बात पत्रिका में छपी थी, इकोनॉमिस्ट में छपी थी, आप उसको नहीं समझ पाए, क्या कहेंगे आप? उन्होंने और भी कुछ कहा था, उन्होंने सज्जन भाई को अंग्रेजी नहीं आती और चिदम्बरम साहब को हिंदी नहीं आती। मेरा ये कहना है कि कैलाश भाई फारसी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, अंग्रेजी मराठी हिंदी सब जानते, बड़े विद्वान आदमी है ये, तो ऐसे आदमी को तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई शिवराज तो फालतू की घोषणाएं करके डमरू बजा के अपना काम चला रहे हैं, तो भाई कैलाश जी इतने विद्वान है कि तमाम भाषाएं जानते हैं, ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई शिवराज सिंह जी पे क्यों आप आक्षेप लगा रहे हो, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नर्मदा क्षेत्रा लिंक योजना उनकी आई है, मध्य प्रदेश में इतने सारे इन्वेस्टर समिट उन्होंने करवाए हैं, जनसंपर्क विभाग हर रोज उनके आपने तो उन्हें के तोहमत लगा, बड़ा अच्छा उदाहरण और प्रश्न मुझसे आपने शिवराज भाई के बारे में कहा, मुख्यमंत्री है हमारे, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना आज ही कई अखबारों में छपा है, नर्मदा शिप्रा बड़ी पवित्र नदियां हैं, इन्होंने अभी लिंक योजना दोनों को मिलाने की एक योजना बनाई जो मेरे क्षेत्र से भी होकर गुजर रही है। और शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं अब मध्य प्रदेश में कोई लाइसेंस शराब की फैक्ट्री का, बॉटलिंग प्लांट का नहीं दूंगा। एक तरफ जहां पे इन्होंने भूमि पूजन किया उससे 1 किलोमीटर दूर इन्होंने एक नया लाइसेंस, पीयूष अल्कोहल लिमिटेड है, उसको इन्होंने लाइसेंस दिया, वो शराब बनाएगी कंपनी और वो सारा गंदा पानी मटेरियल छिपरा के पवित्र जल में जाएगा। तो ये कैसी योजना है नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, एक तरफ आप बड़ा आयोजन कर रहे हो उज्जैन में जाके अडवाणी जी को बुला रहे हो, उनसे भूमि पूजन करवा रहे हो, और एक तरफ एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री को लाइसेंस दे रहे हो, ये दो मुआ चरित्र है। और दूसरी बात, आपका प्रश्न था शिवराज भाई के बारे में, एक तो ये इन्वेस्टर मीट वाला, इतने सारे आज इत्तेफाक एमओयू साइन हो रहे हैं, जी जी जी, आज इत्तेफाक से मेरी और आपकी चर्चा का समय इत्तेफाक से निर्धारित हो गया। कल लोक विधानसभा के अंदर हमारे उद्योग मंत्री विद्वान भाई कैलाश विजयवर्गीय ने हेमराज सिंह हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनके प्रश्न के जवाब में ये कहा है कि 7 वर्षों में 1348 एमओयू इन्वेस्टर मीट जो हमने 4-5 इन लोगों ने कराई उनके माध्यम से 1348 एमओयू साइन हुए उद्योगों के, और लेकिन 16 उद्योग ही उत्पादन कर पा रहे हैं। अब विधानसभा में झूठ बोल तो सकते नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है झट बोलो झूठ बोलो और जोर से बोलो, अब विधानसभा में तो पूरे तथ्य सामने आते हैं, तो उनको स्वीकार करना पड़ा कैलाश भाई को उद्योग मंत्री के नाते कि मात्र 16 उद्योग ही उत्पादन कर पा रहे, करोड़ों अरबों रुपया ये लोग। प्रकाश भाई मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा, अखबारों में खबरें आ रही है, टीवी पर खबरें आ रही है, होर्डिंग्स लगे कि इतना विकास हो रहा है, अभी भी लगे हैं। मैं वही निवेदन करना चाह रहा था कि
तमाम जापान